बांग्लादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन? क्या बांग्लादेश में कोई नया दांव खेलेंगे जिन पे? क्या होगी बांग्लादेश पर चीन की रणनीति? जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वो चीन इस वक्त बेहद परेशान है। और चीन की परेशानी की वजह है बांग्लादेश से आने वाली ये तस्वीर। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात में ऐसी अस्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि शी जिनपिंग की नजरें इस वक्त बांग्लादेश से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर टिकी हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लत लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो अपने अरबों का कर्ज कैसे वसूलेगा। शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से बांग्लादेश को चीन के हिस्से के 125 बिलियन डॉलर हर साल चुकाने होते हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर चीन का 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज बकाया था। जुलाई 2024 में ही शेख हसीना 4 दिन के लिए चीन दौरे पर गई थी और चीन से अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर के कर्ज की मांग की थी, लेकिन चीन ने महज 140 मिलियन डॉलर देने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त शेख हसीना जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन शेख हसीना को वो मौका भी शी जिनपिंग ने नहीं दिया, लिहाजा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लौट आई थी। लेकिन अब शेख हसीना सरकार सत्ता में नहीं है, बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बांग्लादेश से बकाया कर्ज कैसे वसूलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमंद देशों को 20,000 प्रोजेक्ट के लिए 1.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिया हुआ है, लेकिन चीन की गिद्ध दृष्टि के सामने इस वक्त वो बांग्लादेश घूम रहा है, जहां राजनीतिक हालात पल पल बदल रहे हैं, जहां चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही है।